दोस्तों नमस्कार। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट जो है जारी हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको वेबसाइट बताएंगे रिजल्ट चेक करने की, आपको नोटिस दिखाएंगे अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो, आपको ये भी बताएंगे आपको रोल नंबर कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें जो नोटिस जारी की गई है, दोस्तों ये देख सकते हैं नोटिस जो है 30 जुलाई को जारी की गई है, जिसमें कि बताया गया है यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है शाम को 3:30 बजे जो है जारी किया जाएगा, लगभग दोपहर में भी आप कह सकते हैं 3:30 बजे, और हाई स्कूल इंटर दोनों का रिजल्ट एक साथ जारी हो रहा है। तो अभी मैं आपको रिजल्ट चेक करके भी बताने वाला हूँ कैसे कैसे चेक होगा, रिजल्ट का रोल नंबर आपको कहाँ से चेक होगा, क्या आप रिजल्ट को मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबी नहीं करते, सबसे पहले बताते हैं आपको रिजल्ट कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों रिजल्ट आपको मिलेगा rozgarresult.com पे। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को तुरंत ही अपने बुकमार्क मोबाइल पर सेव कर लीजिए, rozgarresult.com। रिजल्ट आते ही मान सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ एक वेबसाइट और बता देते हैं जिसका नाम है sarkarirezult.com। दोस्तों गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखेगा लास्ट में .com जरूर लगाएगा। आपको रिजल्ट के सेक्शन पे आना है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आते ही मान यहाँ पे आपको देख सकते हैं डाउनलोड रिजल्ट का लिंक 31 जुलाई को 3:30 पर जो है एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों लिंक जो है आपके sarkarirezult.com पर उपलब्ध हो चुका है, लेकिन ये रिजल्ट आपका 31 जुलाई 2021 को जारी होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको खोलना है rozgarresult.com। दोस्तों ध्यान रखिएगा rozgarresult.com खोलना है, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं यूपी बोर्ड 10th 12th का रिजल्ट का लिंक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है, जिनके पास रोल नंबर नहीं है और जो लोग अपने कॉलेज से रोल नंबर ले चुके हैं कॉलेज स्कूल से, उनको रिजल्ट का वेट कीजिए। मैं बताने वाला हूँ रिजल्ट भी जब आएगा तो कैसे क्या चीज़ आपको डालनी है, कहाँ पे डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं फाइंड रोल नंबर का लिंक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का किया जाएगा, बिल्कुल नहीं परेशान होना है, एडवांस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे कर देना है। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं खुल गया है, खुलते मान ही जो है यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2020 लिखा है, तो उसको बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर दीजिए, 2020 से कोई मतलब नहीं। जो आपका रोल नंबर शो करेगा वो 2021 वाला ही शो करेगा। सबसे पहले आपको अपना जनपद सेलेक्ट कर लेना है, जैसे ही जनपद डालेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है अपना जो है नाम डालना है, यानी जो आपके बच्चे का नाम है, यानी आपको जो अपना नाम है वो डालना है, और यहीं बगल में आपको कॉलेज का कोड भी मिल जाएगा। जैसे रिजल्ट चेक करके कॉलेज कोड चाहिए, जैसे मान लीजिए AP इंटर कॉलेज शमशाबाद का कॉलेज कोड है 1071, तो 1071 में डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, मान लीजिए आर ए कर दिया, और अगर सर्च कराएंगे तो देख सकते हैं पूरी लिस्ट जो है आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना रोल नंबर जो है पता कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रोल नंबर आपका शो कर जाएगा, और इस बार रोल नंबर आपको बता दें डिजिट में ज़्यादा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी तो रोल नंबर इस बार 9 डिजिट का लगभग आ रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं रिजल्ट चेक करने पर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हाई स्कूल का रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है। तो दोस्तों हाई स्कूल का रिजल्ट चेक करने के लिए मैंने एक पुराना पेज लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूँ आपको समझाने के लिए मैंने पुराना पेज लिया, क्योंकि यहाँ 2020 की जगह 2021 आ जाएगा, लेकिन ये लिंक एक्टिवेट होगा 31 तारीख को शाम को 3:30 बजे, यानी दोपहर में 3:30 बजे। आपको सिंपली यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, रोल नंबर को इस तरीके से कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डाल के आप रिजल्ट देख लेंगे। लेकिन दोस्तों इंटर वाले लोग के लिए थोड़ा सा ऑप्शन दूसरा रहेगा, मैं इंटर वालों को भी दिखा देता हूँ। दोस्तों जो इंटर वाले कैंडिडेट रहेंगे उनको जहाँ तक है रोल नंबर के साथ साथ स्कूल का कोड भी डालना होगा। मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया जहाँ से आप रोल नंबर फाइंड कर रहे थे वहाँ पे स्कूल का कोड भी दिया हुआ है 4 डिजिट का, और बाकी आप वहाँ पे डाल के रोल नंबर के साथ उसको डालेंगे और आप उसको यहाँ सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है खुल जाएगा। तो दोस्तों जब ये रिजल्ट जारी हो जाएगा यानी कि लगभग 3:30-4 बजे, तो हम आपके लिए एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम आपको रिजल्ट लाइव जो है चेक करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और 3:30 बजे जो हमारी ठीक 3:30 बजे नई वीडियो आ जाएगी उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।